my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In our previous video lecture, I have discussed types of party system with their examples. I hope you must have watched that video. If not, then do watch it. I'm sure you're gonna enjoy it. So students, in this video lecture, we are going to discuss part 3 of political parties. So let's get started. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मल्टी पार्टी सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ मिलकर अलाइंस या फ्रंट फॉर्म कर लेती है. सो स्टूडेंट, डू यू नो इंडिया में 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में ऐसे ही कुछ मेजर अलाइंसेस फॉर्म हुए थे. चलिए देखिए स्लाइड में. इन इंडिया देर वर 3 मेजर अलाइंसेस in 2004 parliamentary election, such as the National Democratic Alliance, जो BJP की है, the United Progressive Alliance, Congress, and the Left Front, the Communist Party of India. So student, इसका MCQ question भी आ सकता है, तो 3 major alliances आप ज़रूर याद रखिएगा. Students, किसी भी democratic country को run कराने के लिए multi-party system वैसे तो best माना जाता है as compared to one party system or two party system. But इस multi party system के भी कुछ drawbacks हैं and कुछ advantages हैं. चलिए आइए देखते हैं इसे भी slide में. Multi party system often appears very messy and leads to political instability. But at the same time, this system allows a variety of interests and opinions to enjoy पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा इस स्लाइड में कि मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मेसी भी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एंड सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, आउटलुक है, आइडियोलॉजीज़ है. इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं. बट स्टिल, व्हेन वी विल कंपेयर this party system with one party system or two party system, this system is considered to be better than the rest, as it allows a variety of opinions of every person involved in it. जितने भी लोग इसमें शामिल होते हैं, जितने भी लोग इस मल्टी पार्टी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट रखते हैं, अपने ओपिनियंस रखते हैं, और हमें भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय करने में मज़ा आता है. उनके आइडियोलॉजीज़ को देखकर ही हम अपना डिसीजन बना सकते हैं कि विच पार्टी शुड बी चूज. सो स्टूडेंट्स, अब जो एक्चुअल क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आइडियल कौन सा पार्टी सिस्टम है, बिकॉज तीनों ही पार्टी सिस्टम के कुछ ना कुछ मेरिट्स भी है एंड डीमेरिट्स भी है. तो चलिए जानते हैं कि कौन सा सिस्टम अप्रोप्रिएट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए. सो स्टूडेंट, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज. इट इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग टाइम depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics and its system of election. These cannot be changed very quickly. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. So students, जैसा कि आपने देखा स्लाइड में कि किसी भी कंट्री के लिए अपना पार्टी सिस्टम चुनना फीसिबल नहीं है, as it develops or evolved over a long period of time, and also it depends upon several factors, jaise ki nature of society, regional variations, history of politics and its system of election. So students, koi bhi country ko evolve hone ke liye ye sare factors ko dhyan mein rakhna zaruri hota hai, aur ye dekhna bhi zaruri hai कि उस पर्टिकुलर कंट्री या सोसाइटी का नेचर क्या है, फाउंडेशन क्या है, या फिर वी कैन से बेस क्या है. कहीं वो ऑटोक्रेटिक रूल या डिक्टेटरशिप या वन पार्टी सिस्टम में तो बिलीव नहीं रखती. क्या उनका पॉलिटिकल कल्चर है, क्या उनकी हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस है, एंड कितनी रीजनल सोशल वेरिएशंस या डाइवर्सिटीज वहाँ पे पाई जाती है. आई होप स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा होगा.
चलिए स्टूडेंट अब इंडिया का ही एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री इज नॉट ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाय टू और इवन थ्री पार्टीज. No system is ideal for all countries and all situations. So student, जैसा कि आपने देखा अभी इंडिया एक बहुत ही विशाल देश है जहाँ पे बहुत सारी social, regional variations देखने को मिलती है, diversity देखने को मिलती है. And this country specifically cannot be run by adopting one party system or two party system and even sometimes three party system. So that's why it is very difficult to say that among all which party system is ideal, as it is totally depends upon several factors which we have discussed earlier. That's why it's not easy to figure out which party system is ideal among them. So students, aaj ke liye bas itna hi. I hope you have enjoyed today's video lecture. If you did so, then do subscribe to my channel, hit the like button and the notification bell. Do share it with your friends, and if you have any doubt you can comment below, and I will see you in the next video. Till then, take good care of yourself. Bye bye.